22 में कक्षा 10 का चित्रकला का पेपर ऐसा आया था, चित्रकला 2022, पेपर का नाम ये है बीटी 308 बीटी। समय 3 घंटा 15 मिनट, पूर्णांक 70 नंबर का। अब देखिए नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, 15 मिनट पढ़ने के लिए निर्धारित है, प्लस उसमें देखिए निर्देश दिया है, इसका इंग्लिश है, ये इंग्लिश में लिखा है निर्देश। मुख्य पृष्ठ तथा इसमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक अपनी हस्ताक्षर मुक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगाएं और उन पर कक्ष निरीक्षक से हस्ताक्षर करवाएं। कापी के बारे में कह रहा है, कापी के ऊपर कैसे नाम लिखना है। उसके बाद देखिए क्या दिया है, दूसरा पॉइंट दिया है इसमें दिया प्रश्न पत्र क और ख दोनों खंडों में विभक्त है, दोनों खंडों को हल कीजिए। क और ख है, देखिए खंड क में प्राकृतिक दृश्य अथवा चित्रण आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक ही चित्रण करना है। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन है, एक ही हल करना है। खंड ख में स्मृति चित्रण है, खंड ख में स्मृति चित्रण है। अब देखिए पेपर आ गया यहाँ से स्टार्ट, 15 मिनट में आपने पेपर पढ़ लिया। अब देखिए खंड क पार्ट ए अनिवार्य, प्राकृतिक दृश्य कंपल्सरी, अनिवार्य मतलब कंपल्सरी, नेचर लैंडस्केप पेंटिंग इंग्लिश में दिया है। देखिए यहाँ पे दिया है 20 सेमी गुड़े 25 सेमी के आयत में ग्रामीण दृश्य चित्रण कीजिए, उगता हुआ सूरज, झोपड़ी के पीछे छोटे बड़े पेड़, सिर पर लकड़ी का गट्ठर रखकर लाती हुई ग्रामीण बाल दर्शाएं। चित्रांकन में जल रंग अथवा पेस्टल रंगों का प्रयोग कीजिए, चित्रांकन में जल रंग और पेस्टल रंग का प्रयोग करना है। और देखिए और दिया है चित्रांकन करते समय अनिवार्य बातें, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखिए। पहला सही रचना और परिप्रेक्ष्य, समझ लीजिएगा सही रचना और परिप्रेक्ष्य, संयोजन, सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग, आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव। अब देखिए खंड अथवा आ गया आलेखन, या आलेखन में आप क्या कर सकते हैं, पहला प्राकृतिक चित्र बनाइए या आलेखन। देखिए 20 सेमी व्यास के वृत्त में पूर्ण इकाई वाला मौलिक आलेखन रचना कीजिए, जो कमल अथवा सूर्यमुखी के फूल पत्तियों एवं कलियों पर आधारित हो। ट्रेसिंग पूर्णतः वर्जित है, ट्रेसिंग मतलब छापने वाला कागज जो होता है ना, वो वर्जित है। आलेखन में उत्तम रंग संगति वाले मनोहर 3 जल रंगों का प्रयोग करें, जो मंदिर के फर्श के युक्त हो। आलेखन में निम्न बिंदुओं का विशेष ध्यान दीजिए, आलेखन इकाइयों की मौलिकता, लयात्मक रेखांकन, उत्तम रंग संगत तथा रंग संयोजन, सामान्य प्रभाव का आकर्षण, ये सारे मतलब शर्त है। और इसमें बराबर ये चीजें आपकी अच्छी रहेगी तो इतना नंबर मिलेगा, ये चीज अच्छी रहेगी तो 8 नंबर मिलेगा, उत्तम रंग संगत की योजना रहेगी तो 14 रंग, सामान्य प्रभाव का आकर्षण में 7 रंग मिलेगा, 7 नंबर मिलेगा। ठीक, अब देखिए अथवा आ गया है, अथवा प्राविधिक कला, प्राविधिक मतलब टेक्निकल ड्राइंग जिसमें ज्यामिति होता है, ठीक ना। 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का हल कीजिए, हल करना है, सभी प्रश्नों के अंक समान है, प्रत्येक उत्तर में निर्दिष्ट रेखाएं रचनात्मक एवं अभीष्ट रेखाएं स्पष्ट दिखाइए, रब कार्य श्वेत पुष्प इसके पेपर पर करें, उसे भी अपने उत्तर प्रश्न के साथ संलग्न करें, मतलब अगर आप रब काम किए हैं तो उसको भी पेपर के साथ, कापी के साथ उसको भी धागा मिलता है बांधने के लिए, बांध दीजिए। वो कह रहा है, अब देखिए
ज्यामिति में रफ कार्य होता है, गणित का पेपर होता है तो जो है कि रफ कार्य होता है उसके लिए करा। 6 सेमी का एक वर्ग ज्यामिति विधि द्वारा बनाइए, इसके अंतर्गत बड़ा से बड़ा अर्धवृत्त खींचिए। ब वाले में 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचकर वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो 40 कोण पर मिलते हैं, जो 40 कोण पर मिले। देखिए स वाले में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर स, 6 सेमी भुजा के एक वर्ग के अंतर्गत एक आकर्षक ज्यामिति आलेखन बनाइए जो रेखाओं व चापों पर आधारित हो। एक त्रिभुज अब स की रचना कीजिए जिसका परिमाप 12 सेमी है तथा भुजाओं का अनुपात 3:4:5 दत्त हो, दत्त है 8-8 नंबर का है ये। एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जिस पर किलोमीटर और हेक्टोमीटर पर चढ़ाया जा सके जबकि 3 सेमी 1 किलोमीटर की दूरी पर प्रदर्शित करता है। निरूपक भिन्न आरएफ की ज्ञात कीजिए, मापनी पर 4 किलोमीटर 5 हेक्टेयर अंकित कीजिए। ये देखिए ऐसा है, ये ज्यामिति था अखंड ख में कह रहा है, ब पार्ट ब स्मृति चित्र, स्मृति चित्र मतलब वही बाल्टी कुकर ऐसा होता है, वस्तु चित्रों को स्मृति चित्र कहते हैं। लेकिन इस प्रश्न के 2 भाग हैं, अ तथा ब दोनों भागों को चित्रित, ये दोनों प्रश्न करना है, अ और ब दो प्रश्न दिया है इसमें दोनों को करना है। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं एक का स्मृति चित्र पेंसिल द्वारा बनाइए, चित्र 15 सेमी से कम न हो, चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान रखें, रेखा सौष्ठव पर 6 अंक तथा आकृति की अनुरूपता पर 6.5 अंक निर्धारित है। अनुरूपता और यह दिया है चित्र बिंदुओं पर ध्यान दें, रेखा सौष्ठव एवं 6 अंक पर आधारित की अनुरूपता 6.5 अंक पर आधारित है, बताया कैसे कैसे नंबर मिला। देखिए छाता बना सकते, तोता बना सकते, हाकी स्टील तथा बाल या पुस्तक। अब देखिए निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल द्वारा कीजिए, चित्र 15 सेमी से कम न हो, चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखें, रेखा सौष्ठ पर 6 अंक तथा आकृति की अनुरूपता 6.5 अंक निर्धारित है। देखिए पहला कह रहा है पत्ती सहित आम बनाइए, पीपल पपीता बनाइए, और दूसरा लौकी, तीसरा सेट लैंप सेट के साथ लैंप कीजिए। ये हो गया, बस पेपर खत्म है दोस्तों। ये देखिए पेपर खत्म है, बाकी अंग्रेजी में दिया है। यही था पेपर कक्षा 10 2022 का चित्रकला का पेपर। धन्यवाद। और आपको कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करिए आप और शेयर करिए, शेयर मत करिए लाइक करिए कमेंट करिए, बस आप इतना ही कर दीजिए, बाकी हम अगला पेपर आपको दिखाते हैं।